हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि शुगर केन का जो है यील्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इस तो इस्टीमेशन ऑफ केन यील्ड, हम केन यील्ड का कैसे जो है आकलन कर सकते हैं आज जानेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस्टीमेशन केन यील्ड, जूस यील्ड एंड शुगर यील्ड टन पर हेक्टेयर ऑफ केन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हमें निकालना क्या, केन यील्ड निकालना है, जूस यील्ड निकालना है और शुगर यील्ड निकालना। तो हमारे पास गिवन डेटा है, स्पेसिंग है 90x60 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ केन्स पर क्लंप है 10, एवरेज वेट ऑफ केन है 750 ग्राम, जूस एक्सट्रैक्शन परसेंट है 17, शुगर इन जूस ये परसेंट में है 18, जैगरी है परसेंट में इन 20 है। ठीक है, तो फार्मूला हमारा है शुगर केन यील्ड का, शुगर केन यील्ड जो है टन पर हेक्टेयर। ठीक है, तो इसका फार्मूला है कि सबसे पहले जो है एरिया हेक्टेयर में इनटू इनटू नंबर ऑफ केन पर क्लंप। ये क्लंप क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने राइस में देखा है कि एक हिल से जो है जब हम एक पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं तो उससे जो है बहुत सारे टीलर्स निकलते हैं उसमें, तो उस एक हिल में जहाँ पर हम लगाते हैं एक हिल में जो है बहुत सारे जो है टीलर्स होते हैं। ऐसे ही केन में क्या होता है कि एक सेट से जहाँ हम लगाते हैं वहाँ पर जो है बहुत सारे पौधे निकलते हैं गन्ने का। ठीक है, तो उन पूरे क्लम्प को जो है उस पूरे जो झुंड होता है एक गन्ने का उसको कलम बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ केन पर कलम जो है 10 है, इसके बाद इनटू एवरेज वेट ऑफ केन 750 ग्राम है। ठीक है, इसके बाद इसको डिवाइड बाई स्पेसिंग जो हमेशा मीटर में लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्पेसिंग दिया है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे 90 सेंटीमीटर है तो इनटू 100 करेंगे, इसके बाद 60 सेंटीमीटर है तो इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, इनटू 100 हो गया, स्पेसिंग हो गई। इसके बाद क्या है कि हमारा जो है देखिए टन पर हेक्टेयर रेल है। ठीक है, तो टन के लिए हम क्या करें, यहाँ पे देखिए ग्राम में दिया है केन, तो ग्राम में दिया है केन, तो इसको क्या करेंगे किलोग्राम में करने के लिए क्या करना होगा, हमें 1000 से जो है डिवाइड करना होगा। अब हमें क्विंटल में करने के लिए क्या करना होगा, 100 से जो है डिवाइड करना होगा। इसके बाद अगर हमें टन में करना है, यील्ड हमें टन में निकालना है, इसलिए हमें 10 से जो है डिवाइडेशन करना होगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू हम पुट करते हैं, एरिया है हमारा 1 हेक्टेयर का, इनटू नंबर ऑफ केन पर क्लंप है 10, इनटू एवरेज वेट ऑफ केन है 750 ग्राम। ठीक है, इसके बाद ये स्पेसिंग से 100x100 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जो है स्पेसिंग कितना हमारा है 90x60 है। ठीक है, इसके बाद जो है 1000, फिर 100, फिर 10, इसको जो है कैलकुलेट कीजिए, तो नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 जीरो जो है नीचे,
तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी जो है कट जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या, 7500 × इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 6 54, 54 ठीक है। अब ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, हमने कैलकुलेशन करके रखा है तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 138.88 टन पर हेक्टेयर। राउंड फिगर में इसको हम जो है 138.9 लिख सकते हैं ठीक है, या फिर 139 टन पर हेक्टेयर भी लिख सकते हैं ठीक है। 139.9 भी लिख सकते हैं या फिर 139 पूरा लिख सकते हैं ठीक है राउंड फिगर में। इसके बाद क्या करेंगे हम जो है, अब हमें तो एक मतलब कि 1 हेक्टेयर में कितना टन गन्ना हो रहा है वो तो हमें निकल गया ठीक है ना, वो हमें मिल गया। अब हमें निकालना है कि जूस जूस कितना होगा, जूस कितना होगा। ये देखिए जूस एक्सट्रैक्शन कितना है यहाँ पे, जूस जूस एक्सट्रैक्शन ये परसेंट में दिया है, 70% है तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 139 × 70 डिवाइड बाई 100, 70% है ठीक है। तो इसको जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 97.3, ये हमारा हो जाएगा 97.3 टन पर हेक्टेयर, टन पर हेक्टेयर ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू जूस हमारा 57.3 टन पर हेक्टेयर आ जाएगा, जो हमारा एक गन्ने का है शुगर केन यील्ड जो है हमारा, शुगर केन यील्ड से जो हम जूस निकाले हैं तो ये निकला हमारा 57.3 टन पर हेक्टेयर ठीक है। इसके बाद क्या निकालना हमें, शुगर परसेंट ठीक है ना, तो 18% शुगर पाई जाती है ठीक है ना। न्यूमेरिकल में ये वेरी कर सकता है, इसको पूरा डेटा जो है वेरी कर सकता है न्यूमेरिकल के हिसाब से ठीक है ना, लेकिन आप तरीका देखिए कि तरीका क्या है इसका निकालने का। तो शुगर परसेंट जो है शुगर ठीक है ना 18% है, तो अब शुगर कहाँ से निकलेगा, जो शुगर है वो तो जूस से ही निकलेगा ठीक है ना। तो जूस हमारा कितना है 97.3 टन पर हेक्टेयर है ठीक है, तो 97.3 टन पर हेक्टेयर जूस है। तो 97.3 × 18 डिवाइड बाई 100, अब इसका देखिए कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17.51, 17.51 टन पर हेक्टेयर, ये हमारा शुगर निकल जाएगा ठीक ना। तो 17.51 पर हेक्टेयर शुगर निकल गया। इसके बाद जैगरी अगर निकालना है, न्यूमेरिकल में तो हाँ वहाँ पे जैगरी नहीं लिखा मैंने, लेकिन अगर जैगरी भी दिया है तो जैगरी को भी आप निकाल सकते हैं ठीक ना। तो जैगरी भी ऐसे ही निकलेगा जैसे हमने शुगर निकाला था। तो 96, अब देखिए जो गुड़ बनेगा वो भी जूस से ही बनेगा ठीक है। तो जूस का यील्ड हमारा है 97.3 × कितना है 20% ना, तो 20 डिवाइड बाई 100 ठीक है। अब इसको भी कैलकुलेट करेंगे आप जो है जैगरी को, ती वैल्यू आ जाएगी हमारी 19.46, 19.46 टन पर हेक्टेयर ठीक है। तो इस तरह आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज पूछता है कि रिकवरी परसेंट ठीक है, रिकवरी परसेंट पूछता है तो उसको जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए जो है इतना ही,
क्योंकि इसमें लंबा हो जाएगा तो फिर हो सकता है समझ में ना आया आपको। तो हमने सबसे पहले हमने क्या किया, शुगर शुगर केन निकाला, ठीक है ना, टन पर हेक्टेयर में। तो एरिया हुआ नंबर ऑफ केन पर क्लम, एवरेज वेट ऑफ केन, इसके बाद जो है इतना हमने लिखा। फिर स्पेसिंग, स्पेसिंग मीटर में करना है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में करने के लिए जो है 100 × 100 कर दिया। इसके बाद हम जो है क्या है इसमें ग्राम में दिया है, केन जो है ग्राम में दिया है, तो इसको हम किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड किए हैं। फिर हमें क्विंटल में करने के लिए 100 से डिवाइड किए हैं, फिर टन में करने के लिए 10 से डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फार्मूला आ गया, ठीक है ना। इसके बाद फार्मूले का हम यहाँ पर वैल्यू पुट किए तो हमारा जो शुगर केन का यील्ड कितना आ गया, ठीक है ना, 139 टन पर हेक्टेयर। इसके बाद जूस जो है ऐसे जूस निकाल दिए, तो इससे जूस निकाल दिए, जूस हमारा कितना है, यहाँ जूस एक्सट्रैक्शन दिया 70%, ठीक है। तो ये हमारा जूस की वैल्यू आ गई, और ये शुगर की, शुगर परसेंट की, ठीक है, कितना चीनी बन रहा है, और ये जैगरी का, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा आप लोगों को, बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।